दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक फंक्शन है जो कैंसिल हो चुका है। ये भी इसका जो मेन इफेक्ट है वो चाइना में होता है। तो इसका मेन रीजन बंद होने का ये था कि कोरोना वायरस, जिससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि कोरोना वायरस की वजह से मोबाइल फ़ोन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब नुकसान भी हो सकता है और ज़्यादा नुकसान तो पब्लिक का ही होगा क्योंकि मोबाइल महंगे हो सकते हैं। अच्छा, तो इसके अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जियो के बाद, जियो फ़ोन हमने देखा चलाया अभी कि iOS पे काम करता है, तो जियो के बाद पहला कीपैड स्मार्टफोन आने वाला है, वो भी कीपैड स्मार्टफोन मतलब कि एंड्रॉयड सपोर्ट के साथ आने वाला है, वो भी नोकिया का। नोकिया वाले कुछ साल, 2-3 साल पहले कमबैक किए हैं और काफ़ी अच्छा कमबैक किए हैं। नोकिया के कुछ फ़ोन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नोकिया 3 और नोकिया कुछ 5.1, मुझे सारे मॉडल्स नहीं पता है क्योंकि मैं नोकिया यूज़ नहीं करता हूँ अभी, बट नोकिया काफ़ी अच्छा कमबैक किया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी एक फ्यूचर फ़ोन ला रहे हैं, मतलब कीपैड फ़ोन जिसमें कि एंड्रॉयड सपोर्टिंग होगा, एंड्रॉयड का सपोर्ट होगा, साथ में 4G भी होगा। तो हो सकता है ये दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन हो जो कीपैड होते हुए भी एंड्रॉयड सपोर्ट करता हो। इससे पहले तो ऐसी नहीं आई कोई भी चीज़ अभी, कोई भी इंडिया में, बाहर देश का भी नहीं पता क्योंकि बाहर देश में भी अभी नहीं आई है, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया है, ये पहला फ़ोन आएगा। आप अगर कहेंगे कि जियो फ़ोन भी आया है, इसमें भी सारी चीज़ें चलती है, यूट्यूब चलता है और भी दूसरी चीज़ें अच्छी से चलती है, हॉटस्टार वगैरह भी आजकल सपोर्ट करने लगा है, व्हाट्सअप चलता है, फेसबुक चलता है, फिर ये क्या है? तो आपको बता दूं कि जियो का जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड नहीं है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है KAIOS, ये एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसमें काम करता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और किन चीज़ों में है या कब की है, कहाँ की है। जैसे एंड्रॉयड के बारे में पता है कि एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है और ये बहुत पहले से, जब से मतलब स्मार्टफोन चल रहा है तब से ये भी चलाया जा रहा है, और भी अभी तो एंड्रॉयड के TV भी आ रहा है और भी दूसरी चीज़ें आ रही है। तो ये KAIOS क्या है ये अभी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं ली है, लेकिन जियो का जो फ़ोन है वो उसी पर काम, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो बता दें कि इस फ़ोन, ये जो नोकिया का फ़ोन आने वाला है, इसका भी कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं आया है सोशल मीडिया पर। इस तरह की न्यूज़ें बार बार दोहराई जा रही है, बार बार ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी जो इसका जो कुछ कहने सुनने में आया है, मतलब सुनने में, पढ़ने में, कहीं भी जब हम देखते हैं उसमें ये दिखाया गया कि इसमें आपको 8 MB या 16 MB का रैम दिया जा सकता है और कुछ शायद 512 MB तक इसका स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों, क्योंकि कुछ ऐप्स उसमें डिफ़ॉल्ट आएंगे। तो ये सब चीज़ें, फ्यूचर फ़ोन है, एक बटन वाली फ़ोन है, तो उसमें ज़्यादा कुछ इस पर हम कर भी नहीं सकते, क्या कुछ डालेंगे। जैसे अगर हम देख लिए हैं जियो फ़ोन में काफ़ी कुछ चलता है, लेकिन जियो फ़ोन में कुछ चीज़ें कमी है, बहुत सारी चीज़ें कमी है जियो फ़ोन में। बटन्स का सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, फ़ोन काफ़ी अच्छा होता है लेकिन बटन्स का प्रॉब्लम सबसे पहले आ जाता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी आपको कि नोकिया एक एंड्रॉयड फ़ोन ला रहा है जिसमें आपको बटन के साथ 4G भी मिल जाएगा। 4G तो आपको जियो में मिल चुका है लेकिन एंड्रॉयड नहीं मिला है। अब एंड्रॉयड भी आएगा तो हम मान सकते हैं कि उसमें प्ले स्टोर भी होगा और गूगल का पूरा सपोर्ट होगा। गूगल का सपोर्ट KAIOS में भी है, लेकिन जो मैन ऑफिशियली एंड्रॉयड में होता है वो एक अलग ही फीचर होता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जो फ़ोन आ रहा है तो इसमें क्या सब चीज़ें आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी इंडिया में सबसे पहला 5G फ़ोन आने वाला है 25 फरवरी को। इसकी जो डिटेल्स है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल पर मैं इस तरीके के वीडियोस लाते रहता हूँ। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबा करके जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी, जब भी हम वीडियो अपडेट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।